हे दोस्तों, आप लोगों ने कई जादूगरों को जादू दिखाते हुए देखा होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि उस जादू के पीछे का सीक्रेट क्या होता है? बहुत से आसान जादू के ट्रिक्स तो हम लोगों को समझ में आ जाते हैं, पर आज हम अपने काउंटडाउन में आपको बड़े बड़े जादूगरों के द्वारा परफॉर्म किए हुए जादू के सीक्रेट्स बताने वाले हैं, जो कि हमें बहुत रिसर्च के बाद पता चला है। तो ये है दुनिया के 5 बेहतरीन जादूगरों के जादू के पीछे का सीक्रेट। मगर उसके पहले नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए हुए नए वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। नंबर 1, स्वॉर्ड स्टैबिंग। यह जादू दुनिया का सबसे हैरान करने वाला जादू है। इस जादू को मशहूर जादूगर जेम्स मोरे दिखाते हैं, जो कि इसी जादू के कारण बहुत ही फेमस भी हो गए हैं, और हजारों लोगों ने यह जानने की कोशिश भी की कि आखिर जेम्स यह जादू कैसे कर पाते हैं। इस जादू में जादूगर के असिस्टेंट उन्हें एक तलवार के ऊपर लेटाकर छोड़ देते हैं और तलवार जादूगर के शरीर के आर पार हो जाती है ना, बहुत ही शॉकिंग। मगर इसका सीक्रेट हम अभी आपको बताएंगे। इसमें जादूगर के कपड़ों में एक स्पेशल डिवाइस छुपा हुआ होता है, और तलवार के ऊपर जादूगर को रखते ही तलवार की नोक नीचे एजेस में घुस जाती है, और इस प्रकार जादूगर इसमें इजीली लेट जाता है। और जादूगर के पेट में भी एक मैकेनिज्म होता है, जो कि फेक तलवार को निकाल देता है, और ऐसा लगता है जैसे कि तलवार जादूगर के आर पार हो गई हो, है ना गजब का ट्रिक। नंबर 2, चेन थ्रू नेक। यह एक बहुत ही फेमस ट्रिक है, जो कि बहुत फेमस जादूगर क्रिस एंजल दिखाते हैं। इसमें जादूगर एक लंबी चेन लेता है, जिसमें कोई कट नहीं होता है। जादूगर लोगों से उस चेन को चेक करने के लिए कहता है, फिर जब लोग उस चेन को चेक कर लेते हैं, तब जादू स्टार्ट होता है। अब जादूगर चेन को अपने गले में नॉट लगाकर बांधता है और लोगों को दिखाता है। अब वह दो लोगों को चेन को जोर से खींचने के लिए कहता है, और जैसे ही चेन खींचा जाता है, जादूगर के गले से चेन खुल जाती है। मगर अब क्वेश्चन यह आता है कि आखिर उसने यह किया कैसे। इसमें जादूगर एक ऐसी स्पेशल टेक्निक से चेन को बांधता है, जिसमें कि एक फेक नॉट बंध जाती है, और वह नॉट एकदम नॉर्मल नॉट की तरह ही दिखती है, और इस तरह चेन की नॉट हल्के झटके से ही खुल जाती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जादूगर क्रिस एंजल्स के बाल भी बहुत बड़े होते हैं, जिसमें कि फेक नॉट आराम से छुप जाती है। नंबर 3, इस जादू को फेमस जादूगर डायनामाइट को करते हुए आपने टीवी में देखा होगा। इसमें असल में ऐसा लगता है कि जादूगर अपना हाथ आसानी से कांच के आर पार डालकर ज्वेलरी को निकाल ले रहे हैं, और दूसरा हाथ कुछ छुपाते हुए दिखता है, पर ऐसा नहीं होता है। इस जादू में एक स्पेशल ग्लास का इस्तेमाल होता है, जिसे पहले से एक छेद होता है, मगर वह छेद दिखता क्यों नहीं है? वह इसलिए कि हाथ के नीचे का ग्लास खिसक जाता है, और उस कांच को खिसकाने का बटन जादूगर के पैरों के पास में होता है। यह जादू देखने में बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है। नंबर 4, कटी रस्सी को जोड़ने वाला जादू। इसमें जादूगर एक लंबी रस्सी दिखाता है, उसके बाद रस्सी को ऊपर से लूप बनाकर उसे कैंची से काट देता है, और फिर धीरे से अपने हाथों को रस्सी से नीचे खिसकाता है, और वो दो रस्सियां आपस में जुड़कर वापस एक रस्सी बन जाती है। अब इसके पीछे का सीक्रेट हम आपको बताते हैं। इसका सीक्रेट यह है कि इसमें जादूगर एक वैसी ही दूसरी छोटी रस्सी अपने हाथों में छुपाया हुआ होता है, और लूप बनाकर काटते समय उसी छोटी रस्सी को काटता है, और बड़ी रस्सी जिसको काटने का वह ड्रामा कर रहा होता है, असल में वह उस रस्सी को काटता ही नहीं है। असल में वह छोटी रस्सी को काटकर बड़ी रस्सी काटने का ड्रामा करता है। नंबर 5, फोन इन बॉटल। बॉटल में फोन डालने वाला जादू आजकल के जादूगरों द्वारा टीवी में खूब दिखाया जाता है। इसमें जादूगर एक प्लास्टिक की बॉटल सामने वाले को देता है और कहता है कि खुद चेक कर लो कि कहीं बॉटल में कोई ट्रिक तो नहीं है। इसके बाद वह जादूगर किसी ऑडियंस से उसका मोबाइल फोन मांगता है, और दूसरे ऑडियंस को दिखाता है कि यह मोबाइल फोन एकदम रियल है, और फाइनली 1, 2, 3 मोबाइल फोन को बंद बॉटल के अंदर डाल देता है। इस जादू को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, मगर यह संभव कैसे हुआ? इसका सीक्रेट बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल कि कोई बच्चा भी इस जादू को आसानी से कर सकता है, वह भी बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के।
इसमें मैजिशियन एक छोटा मगर बहुत धारदार ब्लेड अपने अंगुलियों में छुपाया हुआ होता है और ऑडियंस को बॉटल दिखाने के बाद वह चुपचाप बॉटल को ब्लेड से एक लाइन से काट देता है और फिर अपने हाथों से फोन को बॉटल में डाल देता है। हे दोस्तों, अगर आपको हमारा यह जादुई वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको कौन सा ट्रिक सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई जादू आता है तो उसे भी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल टॉप 10 अमेजिंग इन हिंदी को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी ऐसी ही और नई जादुई वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। आपका अपना दोस्त।